नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में मार्बल चाय के होलसेलर के यहाँ हुई लाखों की चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। चोरों ने व्यापारी के गोदाम से 96 पेटी चाय पत्ती गायब की थी, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। BSF कॉलोनी के रहने वाले सत्येंद्र पाल सिंह सेना के रिटायर्ड है, जिन्होंने मार्बल चाय की C&F ले रखी है। सत्येंद्र पाल ने बोहाड़ापुर थाने से गोदाम में चोरी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर भूरे सिंह और विजय सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी देवेंद्र राठौर और मोनू बंसल को भी आरोपी बनाया है। अरे हमारे यहाँ चोरी हो गई और वो उन्हीं चोरी की जो हमारे यहाँ काम करते थे, वर्कर थे, चोरी की वो सबको उनको जानकारी थी और लगभग 2 से 2.5 टन के बीच में माल चोरी हुआ। हमको शक ये हुआ कि हमारे यहाँ LED TV रखे थे, तो LED TV सामने ही रखे थे, तो देखा है कि LED TV गायब है, तो चेक किया तो उसमें 3 LED TV। उसके बाद में जो सामान रखा हुआ था, तो वो सामान को चोरी इस तरह से करते थे कि जो स्टॉक लगा था उसको अंदर से पूरा निकाल लिया और चारों ओर ज्यों का त्यों वैसे ही बना रहने दिया। तो छानबीन किया तो देखें क्या है कि जब हमने आदमी को लगाया तो देखें कि माल तो अंदर है ही नहीं, वो सब खाली कर दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक मार्बल चाय की C&F है, एक राठौर साहब हैं, गोडाउन से चोरी की FIR हुई थी, जिसमें 457-380 की कायमी करके विवेचना की गई थी। तो उसमें पता लगा कि भूरे सिंह तोमर 4 सिर के नाके का है, ये चोरी की गई थी। उसमें चोरी करने वाला भूरा तोमर गिरफ्तार किया है और व्यापारियों से माल रिकवर हुआ है। लगभग 96 कार्टून चाय के बरामद हुए हैं और 2 LED बरामद हुई हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज़ आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज।